मैं यहाँ इंसर्ट में यूजर फॉर्म इंसर्ट किया। तो यूजर फॉर्म में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हम किस तरह से लेबल का यूज करते हैं, किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो इन टेक्स्ट बॉक्स में हमने अच्छी तरह से बता दिया और उसके इवेंट वगैरह और चीजें भी हम आपके साथ डिस्कस कर लिए। उसके बाद आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स मतलब कि इसमें हम किस तरीके से कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट की। प्रदीप राव, सॉरी सर एक कॉल आ गया था। तो यूजर फॉर्म में हम यहां पे हम बात कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स की, सॉरी कॉम्बो बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स मतलब कि ड्रॉप डाउन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे नेम का सेट दिया, यहाँ पे मैंने इसको मान लीजिए कि यूजर फॉर्म बना रहा हूं, मैंने यहाँ पे नेम दिया नेम, और फिर मैं इसको यहां से कॉम्बो बॉक्स जैसे बोलते हैं इसको ए ले लिया। तो इसमें तो टाइप करेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ होता है? फ्री टाइपिंग के लिए, मतलब जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चीज टाइपिंग होंगे उस केस में। और उसके बाद मैंने यहां से एक और लिया सिटी के लिए, हम ड्रैग करते हैं। सिटी, अब इसमें क्या है कि अब सिटी पे हम कॉम्बो बॉक्स नहीं करना चाहते। क्यों? कि मेरी कंपनी में या फिर मैं जिस जिस पप्पा से कर रहा हूं तो मेरे पास सिलेक्टेड ही है, समझे? कि मेरे पास सिलेक्टेड आइटम है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसी पर्टिकुलर 5, 4, 3 ऑप्शन में से उसको ड्रैग करें। तो उसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल एक्सेल में डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर डायनामिक चार्ट में आपने भी जो कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल किया था, वही सेम चीज यहां इस्तेमाल होती है। जब हम प्ले करेंगे तो यहां पे हम टाइप करेंगे और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि डेटा वैलिडेशन में हम लोग करते थे, एक बार मैं दिखा देता हूं अगर आप लोगों को ध्यान ना हो, कि डेटा में जाते थे डेटा वैलिडेशन में, और यहां हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेते थे और यहां पे हम सिटी डाल देते थे कि दिल्ली, दिल्ली, पुणे,
एंड नोएडा, इस तरह से डाल दिया। तो अब यहां पे तीन ड्रॉप डाउन आएगा, दिल्ली, पुणे, नोएडा। तो इसी तरह के ड्रॉप डाउन के लिए यहां इस्तेमाल होता है इसमें। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम वैल्यू कैसे फील्ड करें। तो आज का मेन टॉपिक हमारा यही है कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर में वैल्यू कैसे, लिस्ट कैसे ऐड करें। तो उसमें डिपेंड करता है, इसे कई सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपका लिस्ट का प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मेरे पास लिस्ट जो है वो सिलेक्टेड चार या पांच लिस्ट है और वो फिक्स है, क्योंकि कभी चेंज नहीं होंगे, या होंगे भी तो बहुत दिन बाद होंगे। तो उस केस में मैं फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहां इनिशियलाइज पे क्लिक करूंगा। इनिशियलाइज क्यों? क्योंकि जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं, कोडिंग कब रन होगा? जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा, जब फॉर्म ओपन होगा, सीट पे दिखेगा तब। और फिर मैं करता हूं मी, यहां पे विथ लगाता हूं, विथ कमांड की विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स, और यहां पे एड आइटम मैं डाल, मान लीजिए डाल दिया पुणे। डॉट एड आइटम मैं डाल दिया पटना, और फिर एड आइटम मैं डाल दिया नोएडा। इस तरह से आपने ऐड कर दिया, और फिर यहां पे एंड बिथ कर देता हूं। जब फॉर्म मेरा बाहर आएगा तो वहां पे देखिए मुझे इन तीन सिटी में से किसी एक को सेलेक्ट करने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्या था, बस सिंपल सा विथ कमांड क्यों डाला, क्योंकि मुझे एक लाइन, हर लाइन का आगे कॉम्बो बॉक्स वन लगाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने विथ कमांड के साथ डाल दिया। नहीं तो फिर मुझे विथ कमांड भी डालना पड़ता, सब में डाल कॉम्बो बॉक्स वन डालना पड़ता। ये हमारा मेथड हुआ फिक्स के लिए। कोई डाउट आप लोग को? ठीक है। अब दिक्कत होती है कि मेरा फिक्स तो है लेकिन कई सारे हैं, मतलब कि मेरे पास सीट इसी पे, मान लीजिए कि मैं इसको सिटी को सेलेक्ट कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद सीट पे ही मैं इसको ले आके पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट में जाता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। तो मेरे पास लिस्ट कई सारे ज्यादा है, फिक्स लिस्ट है लेकिन बहुत ज्यादा लिस्ट है, बहुत ज्यादा फिक्स लिस्ट है लेकिन ज्यादा लिस्ट है। मैं एक एक करके ऐड करूंगा तो काफी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मुझे वो चीज यहाँ सीट पे है, मतलब कि वो एक्सेल की किसी पर्टिकुलर सीट पे है। अब हम बात करते हैं कि उस एक्सेल की पर्टिकुलर सीट जो है उस पे हम कैसे ऐड करें। तो याद रखिएगा कि कोई एक मेथड ही आप रख सकते हो, तो मुझे इसका यहां से कोड को डिलीट करना पड़ा। फिर मैं फॉर्म के ऊपर जाऊंगा और अपने कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा और इसकी प्रॉपर्टी में आऊंगा। प्रॉपर्टी में नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रो सोर्स, रो सोर्स। अब यहां रो सोर्स में मुझे इसका एड्रेस देना होगा कि i2 से i11। तो मैं इसको क्लिक करता हूं, नीचे आता हूं रो सोर्स, और पूरा फॉर्म इस पे देना होगा कि seat1/i2 से i11। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फॉर्म के इनिशियलाइज में आपको ऐसा, मतलब कि पहले से ही लिस्ट बॉक्स में कुछ ऐड करने का कोड नहीं डालो, क्योंकि एक ही कोड चलेगा फिर, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में सर मैं वापस आता हूं। तो अभी डायनेमिक रेंज क्या है, सिस्टम क्या है, समझिए। मैंने क्या किया कि यहां ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। ऑफसेट क्या करता है, वो एड्रेस बनाता है। अगर मैं इसको समझाने के लिए मैं इसको सम में डाल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं एवलेट फॉर्मूला करूंगा,
काउंट इफ, तो ऑफसेट में इसने क्या किया, ऑफसेट क्या किया कि यहां से 8-1 से 1 रो नीचे आया और यहां से 12 रो को पकड़ के उसका एड्रेस बना के दे दिया किसको, A2 से A13। अगर कल के डेट में यहां ऐड होगा तो 12-13 बन जाएगा, फिर वो यहां से वो 14-14 रो तक की बना देगा, तो ये हमेशा बढ़ते चला जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये है, लेकिन मैं इसको करना चाहता हूं वीवीए कंसेप्ट। ये तो सारा एक्सेल कंसेप्ट था, अब वीवीए कंसेप्ट से करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इसकी यहां से हटा देता हूं, क्योंकि एक बार में कोई एक ही कंसेप्ट चलता है, तो रो सोर्स को मैं यहां से हटा देता हूं। तो अगर आप इसी को रो सोर्स में ना डालना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहां भी डाल सकते हो कि इक्वल, यहां पे जो फॉर्मूला स्लाइड में जाकर डालते हैं स्लाइड, और यहां डाल सकते हैं कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू नहीं, माफ कीजिएगा, रो सोर्स, रो सोर्स इक्वल टू, आप यहां डाल दीजिए कि सीट वन स्लैश, और यहां पे सिटी, ऐसे भी डाल सकते हैं आप, लेकिन फिर भी एक्सेल कंसेप्ट हुआ। लेकिन मैं इसको लूप से करना चाहता हूं, लूप कंडीशन और भी सारी चीजें से, जैसे कि मैं इसमें बहुत सारी चीज होती है कंडीशन लगाया करना कि मुझे ये चीज नहीं लेना है, ये चीज लेना है वगैरह वगैरह। तो मैं यहां पे लगाऊंगा विथ, लूप लगाना पड़ेगा पहले, कि फोर आई इक्वल टू वन टू 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 चले मी डॉट, मी नहीं माफ कीजिएगा, यहां पे होगा सीट्स, और सीट में हम ले लेते हैं सीट वन डॉट रेंज A65,000, नीचे से ऊपर की तरफ आने के लिए एन एंड एक्सल अप और डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे रो हो जाएगा। तो हमने बोला टू से चले, इस डेटा जो है हमारा है तो ए आई है, तो ए के जगह पे मुझे I65,000 करना पड़ेगा, I65,000 ऊपर से नीचे की तरफ चले और वहां तक लूप चले। और फिर मैं करूंगा मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और यहां पे हो जाएगा रेंज, और रेंज में हमारा हो जाएगा आई के साथ हमने लूप के जो हमारा आई है आई को ऐड कर देना है डॉट वैल्यू, और फिर नेक्स्ट आई, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा तो फॉर्म इनिशियलाइज होगा, तो आप देखोगे कि ये हमारा ऐड हो जाएगा, वीवीए के थ्रू होगा, हर टाइम वीवीए वर्क करेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब इसका बेनिफिट बता देता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम डेटा डेटा में ही जाते हैं, और मैंने मान लीजिए यहीं पे डेटा छोड़िए, मैं यहीं पे कर देता हूं एक एवरेज कर देता हूं, एवरेज मुझे वही सिटी ऐड करना है, मुझे इस पे वही सिटी ऐड करना है जिसका एवरेज कोड जो है मोर देन 50 है। ये चीजें तो अभी ऑफसेट पे तो नहीं कर सकते, या ये चीजें हम इस पे मैनुअली करने में तो टाइम लगेगा। तो उस केस में हम कंडीशन देंगे कि इफ इफ रेंज आई से पहले क्या एच, कि एच और एज के साथ कंबाइन किया मैंने आई, और डॉट
वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन, तो इस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं, समझ गए? सर ये जो रेंज में, बोलिए। हाँ हेलो बोलिए ना। हेलो सर, ये जो कॉम्बो बॉक्स डॉट आई एड आइटम रेंज आई एंड आई करा है, ये बताना जरा, ये समझ नहीं आया। कौन सा आई क्या मैंने, ये हमारा ये हुआ ना, आई तो सीक्वेंस नंबर चल रहा है ना, रो हाँ नंबर, आई, अब आई कॉलम नंबर है। समझ गए? आया समझे सर? हाँ, आ गया आ गया। वो इसमें कंफ्यूज है कि एक आई हमारा वेरिएबल है और एक हमारा कॉलम नंबर है, कॉलम नेम है। कॉलम नहीं है, समझ गए? अब आप लोग इसमें एक काम करें, ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरे आप पहले दो डेटा बनाए, एक सिटी का और एक एरिया का। याद होगा मैंने आपको डायनेमिक चार्ट इसमें नेम इसमें एडवांस डेटा वैल्यूएशन में सिखाया था कि आपके सब पास, डिपेंडेंट लिस्ट, हाँ, डिपेंडेंट लिस्ट, और डिपेंडेंट लिस्ट आपको वीवी में बनाना है कि आप यूजर फॉर्म बनाओगे, यूजर फॉर्म पे दो से होंगे, एक सिटी का होगा और दूसरा एरिया का होगा। अब जो सिटी जो सिलेक्ट करेंगे उसके अवेलेबल एरिया आएगा, ठीक है, और उसका डेटा होगा, जिस सिटी का जो एरिया होगा वही एरिया दिखेगा। और ये बहुत छोटी सी चीज है और इसके एक्सेल कंसेप्ट आपको पता है तो आप इसको आसानी से बना लेंगे, क्या सर? तो आप इसको बनाइए, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको कॉम्बो अगर बना लेते ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको आगे बताएंगे। हाँ सर, वीडियो अपडेटेड है मेगा में, मैंने आज शाम में अपडेट किया है।